दुबई से आने वाली एक पाकिस्तानी खातून ने ये मैसेज किया है, आप भी मुलाहजा फरमाएं। लिखती हैं, पाकिस्तान की मोबाइल फोन कंपनी चोर नहीं डकैत हैं, और अवाम मजलूम नहीं जाहिल हैं, इनको चैलेंज नहीं करते। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान का सफर किया, एयरपोर्ट पर उतरते ही मोबाइल सिम खरीदी, मोबाइल में सिम डाली और 3000 रुपये का बैलेंस करवाया। गाड़ी में बैठकर एक कॉल की, कॉल के फौरी बाद एक मैसेज आया, यू फोन ने मुझे पैगाम भेजा कि इस कॉल के अवज आपके 15 रुपये कट गए। लेकिन अनोखी बात यह थी कि टैक्स इनके अलावा था। मैंने नुमाइंदा को फोन किया, इल्म हुआ 11 रुपये की कॉल थी, 4 रुपये टैक्स था। नुमाइंदा ने मुझे बेवकूफ बनाते हुए कहा कि आपने दूसरे नेटवर्क पर बात की, इसलिए इसकी कीमत और टैक्स की रकम जायद है। मैंने नुमाइंदे से पूछा, क्या मैंने इंडियन नेटवर्क पर कॉल की है या फिर आप पाकिस्तान का नेटवर्क नहीं है? सवाल से सवाल निकले, इल्म हुआ कि जिस रकम में 3000 का मैंने बैलेंस करवाया, इसमें से भी 750 रुपये टैक्स काट लिया गया। अब मैं मुकम्मल तौर पर चुप हो गई थी और नुमाइंदा हेलो हेलो करते फोन बंद कर गया। मैं ये सोच रही थी कि एक ही रकम पर दो बार टैक्स, इस मुल्क को तो सुपर पावर होना चाहिए, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 10 साल से DU और अतसलाहत की सिम इस्तेमाल कर रही हूँ। अतसलाहत में मेरी सिम 5 है, 100 दिरम का बैलेंस कराऊं तो 125 दिरम मुझे मिलते हैं और साथ इंटरनेशनल 120 मिनट फ्री मिलते हैं, और 100 दिरम का बैलेंस एक माह के लिए काफी होता है, जबकि इंटरनेट के लिए मुझे 30 रुपये में अनलिमिटेड वाईफाई 100 GB स्पीड मिलता है। पाकिस्तान की मोबाइल कंपनियां और हुकूमत मिलकर लोगों को बुरी तरह लूट रही हैं, जिसकी मिसाल कौमे शुहेब में भी नहीं मिलती। आए मिलकर अगले चंद दिन मोबाइल कंपनियों के खिलाफ हम एक आगाही मुहिम चलाएं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया ये वीडियो बनाकर, आप इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा कर अपना फर्ज अदा करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।